केवी सुब्बाराव भैया असिस्टेंट प्रोफेसर हैं विवेकानंद भारती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। भैया ने फर्स्ट विची वर्कशॉप अप्रैल 2021 में किया है और भैया बहुत सारे वॉलेंटियर एक्टिविटीज में अभी अपनी भागीदारी को निभा रहे। उसमें से जो इम्पोर्टेंट वन है वो है रीजनल ट्रांसलेशन जो तेलुगु लैंग्वेज में हो रहा है। भैया उस टीम के एक सदस्य के रूप में अपनी भागीदारी को निभा रहे हैं। तो भैया आपका स्वागत है ओवर टू यू। सुन भाई नमस्ते, कुमार जी नमस्ते, शर्मिला दीदी नमस्ते, सभी को एक्सप्लोरर्स को मेरा नमस्ते। मेरा संक्षेप में परिचय वैसे यशवंत जी ने रखा है, फिर भी मैं थोड़ा और उसको ऐड करता हूँ। मैं यहाँ पे हैदराबाद में रहता हूँ। घर में माँ, मेरी श्रीमती और मेरे मेरा 2.5 ईयर्स का बेटा है। मैं 10 साल से फैकल्टी के नाते काम कर रहा हूँ। पहले समाज सेवी संस्था में काम किया। मेरी आयु 49 ईयर्स है। ये संक्षेप में मेरा परिचय है। और मैं यूएचवी यात्रा में मई अप्रैल अप्रैल 2021 में जुड़ा। और उसके बाद सुबह के सेशन में भी जुड़ा। वैसे तो सुबह का सेशन पहले जो तीसरा बैच था उसमें मैं कुछ समझ में मेरे मेरी समझ नहीं पड़ी, लेकिन बाद में जब चौथे बैच में ज्वाइन हुआ उस समय के बाद थोड़ी थोड़ी समझ बढ़ रही है। मेरे में विरोध का भाव ही हावी था। यह मैं दूसरी बार सुबह के सत्र में पकड़ पाया कि विरोध का भाव है मेरे में करके। पत्नी के प्रति विरोध, सासू माँ के प्रति विरोध, कोई काम करने की रुचि नहीं रहती थी। हर समय यही विचार चलते थे। यूएचवी टीम के प्रति मैं बहुत आभार हूँ। यूएचवी टीम ने मुझे फैसिलिटेट किया, मेरी समझ को बढ़ाया है। इसी संदर्भ में कुमार जी से बात की तो उन्होंने पहले जब तीसरे सेशन में मैं तीसरे बैच में था तब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि इसी कंटेंट को समझ से ही मुझे समाधान प्राप्त होगा, ऐसे उन्होंने कहा था। मैंने फिर से सभी वीडियोस को सुना, लिखा, तब मेरी समझ बनी और थोड़ा समाधान मिला। कई बार शर्मिला दीदी ने से बात हुई, उन्होंने बिना कुछ कहे ना मुझे ठोका, हर समय मेरी बात को पूरी सुनती थी और मेरी समझ बढ़ाई। बीएन पांडे से, भैया से भी मेरी समझ बढ़ाने में सहायता मिली। यूएचवी के कारण ही मेरा परिवार जो है आज शांति में है, नहीं तो कुछ एक्सट्रीम हो जाता। पहले पहले गणेश जी से ने भी एक बार बात की तो उन्होंने कहा कि पहले अपने आप से निपटो, यह मेरी समझ में नहीं आया था उस समय। आज जब मैं सोचता हूँ तो मेरी समझ बढ़ाने के बारे में यह बात गणेश जी ने कही थी, यही सभी समस्याओं का समाधान है, ऐसा अभी मुझे समझ में आ रहा है। अभ्यास एक और अभ्यास दो के बारे में मैं अपनी जो समझ बनी है उसको रखना चाहता हूँ। बिंदुवार ढंग से थोड़ा बहुत कर पाऊंगा, पूरा तो नहीं कर पाऊंगा। स्वयं को स्वयं द्वारा देखना, यह जो है यह सबसे जो महत्वपूर्ण स्टेप है। जो मैं आपकी बार 8वीं बैच में मैंने जो इस विषय में प्रयास किया, पहले मैं 7वीं बैच तक जो बताते थे कुमार जी, शरणा दी सभी, कि थोड़ा समय निकाल के अपने उस समय अपने आप को ध्यान देना है, यह मैं 7वीं बैच तक नहीं कर पाया। लेकिन इस बार 8वीं बैच में मैंने किया है। थोड़ा थोड़ा उससे थोड़ा क्या ज़्यादा तो नहीं किया, थोड़ा किया है, लेकिन उसी से बहुत मुझे लाभ मिला है। तो जो पहले स्टेप जो है उसके उसके लिए ये सपोर्टिव हो गया। जो एडिशन हुआ, जो ध्यान देना है, हर दिन 15-20 मिनट ऐसे मैं देता था, लेकिन वो बीच में ब्रेक हो गया।
भाव का निर्णय मैं ही करता हूँ। भाव सहज है या असहज है, यह पकड़ में आता है। जब असहज भाव आ जाते हैं तो उसमें और ज्यादा ज्यादा ध्यान ध्यान जाता है। भाव का निर्णय तो मैं ही करता हूँ, यह शत प्रतिशत है। भाव का निर्णय मैं जब समझ के आधार पर करता हूँ तो मैं सुखी होता हूँ, जब उसमें समझ नहीं रहती तो मैं दुखी हो जाता हूँ। मैं अपने सासू माँ के प्रति बहुत विरोध रहता था, और जब उनके प्रति मैंने अपने भाव समझ के आधार पर, उनका इंटेंशन तो किसी किसी मानव का इंटेंशन तो गलत नहीं रहता, तो सासू माँ के प्रति भी मैंने जब यह समझ से अपना भाव को चेंज किया, इससे मैं बहुत आराम में था। और सासू माँ हमारे घर पे आती थी तो मैंने उनसे कहा कि आपकी यहाँ पे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, तो संबंध के भाव से ही मैंने उनसे कहा कि आप करें तो वहाँ पे एक बार वहाँ पे चेकअप करा लेते तो आपको, उनको नी पेन बहुत समय से था, तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है करके। उन्होंने जब दिखाया और उनको भी उससे कुछ रिलीफ मिला, और अभी भी वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ही वही ट्रीटमेंट जारी है उनका। ये सब भाव के निर्णय, जो समझ है, समझ राइट अंडरस्टैंडिंग के कारण ही ये सब हो पाया। समाज में एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अनुसार ही हमें चलना है। एकदम समाज में जो फसावट है, जो कुछ है, एकदम एक रात में वो तो चेंज नहीं होने वाला है, तो उसके साथ उस व्यवस्था को, जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में ही जारी, परिवार में जो व्यवस्था है, जो समाज में व्यवस्था है, उस व्यवस्था को समझ बनानी है। उसके प्रति अभी अभी थोड़ा थोड़ा उसके प्रति थोड़ा समझ बनी है, थोड़ी समझ बनी है। तो जब समझ बनती है व्यवस्था के बारे में तो आराम में रहता हूँ। सहअस्तित्व के भाव से मैं कम, उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी समझ बनी है। जब मैं उस सहअस्तित्व के भाव से, मैं जब स्नान के लिए गर्म पानी जो है उसको ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं रह अभी नहीं पड़ती, जब मैं सहअस्तित्व भाव से उसको समझ से, सहअस्तित्व के भाव के समझ से मैं सोचता हूँ। तो कॉलेज में, कमरे में या लैब में, जो कोई बाहर जाते हैं तो फैन लाइट बंद नहीं करते, तो मैं जब सहजशिष्ट के भाव से बंद करता हूँ तो मैं आराम में रहता हूँ। और जब मैं भाव सुनिश्चित करता हूँ तो मैं आराम में रहता हूँ। संबंध का भाव हो, व्यवस्था का भाव अभी थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी बनी है, सहजशिष्ट का भाव भी थोड़ी थोड़ी और बहुत उसके गहराई में समझ बढ़ानी है अस्तित्व के भाव के प्रति। और अभ्यास दो के बारे में मैं बताऊं तो, जो शरीर और चैतन्य है, ये दो इकाई है, यह एक इंफॉर्मेशन के रूप में है। अभी तक अलगाव जो है शरीर और चैतन्य, यह पूरा मुझमें नहीं बना है, अलगाव को नहीं देख पा रहा हूँ। और जो संवेदना मैं ही हूँ, इसमें क्लैरिटी है, संवेदना मैं नहीं हूँ करके, संवेदना को मैं पढ़ पाता हूँ, इससे मेरा बहुत लाभ हुआ है संवेदनाओं को पढ़ने में। शरीर को क्या संकेत देना है, किस संवेदना को पढ़ना है, इसका निर्णय मैं लेता हूँ। इस विषय में जब मैं रात को दृष्टि आई ड्रॉप्स डालता हूँ तो जलन, दृष्टि आई ड्रॉप्स जो है पतंजलि का, जो बहुत जलन कारक है, तो एकदम बर्निंग रहता है, तो मैं जब रात को डाल के सोने के पहले डालता हूँ, तो जब मैं इसको ज़्यादा, उस संवेदना को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देकर, मुझे रेस्ट भी लेना है करके, मैं जब अपने आप में यह समझ बनाता हूँ, तो वो जो संवेदना जो है, वो संवेदना की तीव्रता
बहुत कम हो जाती है, ऐसा इस संवेदना को पढ़ने का निर्णय के बारे में मैं कह सकता हूँ। बाह्य परिस्थिति का और इस संवेदना को पढ़ने के विषय में और एक मेरे जो हुआ है, मैं एनबीए का जब वर्क चल रहा था पिछली बार, तो एकदम जो शारीरिक श्रम बहुत कम था, सिस्टम के आगे ही ज़्यादा समय बिताना पड़ रहा था, तो उसके कारण उस एनबीए के बाद में जब हो गया, उसके बाद 4-5 दिन के बाद एकदम लो बीपी हो गया। तो लो बीपी के लिए जो करना है वो मैंने किया संयम के भाव से, फिर से मैंने वॉकिंग ये सब किया, और जो जो उसके लिए शारीरिक व्यायाम करने हैं वो सब मैंने किए, और प्राणायाम किया, और ये जो समय पे आहार लेना, आहार विहार, इन सबको मैंने फिर से ठीक किया। इससे मुझे इस रिलीफ हुआ। अभी भी जब कभी इसमें कुछ गड़बड़ होती है तो मेरे को संवेदना आती है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, फिर से कुछ वो होने वाला है, तो फिर से मैं संयम के भाव से मैं करता हूँ। ये मैं छोड़ता जो शारीरिक श्रम है, जो व्यायाम है, ये सबको छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ बिजी कार्यक्रम में जब हो जाते हैं 4-5 दिन, तो उसके बाद संवेदना आती है, तो उसके बाद फिर से मैं अपने संयम के भाव से उसको ठीक करता कर पा रहा हूँ। तो संवेदना के पढ़ने के विषय में यह लाभ मुझे हुआ है। पहले मेरा, और जब पांचवा स्टेप जो है बाह्य परिस्थिति का प्रभाव शरीर तक पहुंचता है, उसमें निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ, उसे अर्थता हूँ, उससे प्रभावित होता हूँ। इसके विषय में जब मैं अपने यूएचवी जो है हमारे कॉलेज में यूएचवी के वर्कशॉप के लिए, मैं अभी वर्कशॉप नहीं हुआ है फिलहाल, फिर मैं वर्कशॉप के लिए, वर्कशॉप के बारे में बात करने के लिए 7-8 बार मैं प्रिंसिपल के पास गया था, तो उन्होंने 2-3 बार मुझे देखा भी था, और उन्होंने कहा कि बाद में बात करेंगे। और इस विषय में तो मुझे उस समय पे कुछ मन से दुखी हुआ, मैं अपने में दुखी हुआ, लेकिन बाद में मैंने जो अपनी समझ है, राइट अंडरस्टैंडिंग, अपने कंटेंट के प्रति जो समझ मुझे है उनमें नहीं होगी, और उनकी प्री कंडीशनिंग अलग होगी और प्रायोरिटी अलग होगी, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया करके मुझे समझ में आया। तो बाद में उनसे बातचीत हुई, बातचीत करने पर उन्होंने कहा कि अपने यहाँ पे वर्कशॉप करेंगे, ऐसे करके कहा, लेकिन पावर ऑफ सेंटर अलग है, उनके पास मैं गया तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं, बाद में करेंगे करके कहा, तो अभी वो पेंडिंग में है, देखना है। मैं भी उनसे, उन लोगों से जो पावर ऑफ सेंटर है उनसे भी मैं प्रस्ताव के रूप में मैंने अपना कंटेंट जो है उनको शेयर किया, तो उनसे 2-3 बार मिला हूँ, सुनने का आग्रह किया, तो ऐसा है। तो इस विषय में मैं बाह्य परिस्थिति के कारण मैं प्रभावित होता हूँ, इस विषय में जो अपनी समझ है, समझ के कारण मैं उस प्रभाव में ना जाकर और अपने जो है आराम में रह पाया। और जो शून्य के बारे में जो है, यह अभी मेरे में जो है सूचना के रूप में है, जब कभी सुनता हूँ तो उस समय उसके प्रति ध्यान बढ़ता है, और कुछ हद तक मैं देख पाता हूँ, लेकिन वो कंटिन्यूटी में नहीं है, लेकिन उसके बारे में मेरी समझ अभी बहुत बहुत कम है। और मैं स्वास्थ्य के बारे में बताऊं तो संयम के भाव से, और मेरा जो वजन था 45-50 kg में था पहले, जब विरोध का भाव था, बहुत बहुत उसमें मेरा शरीर भी बहुत सफर हुआ था, आजकल 55-56 kg तक मैं पहुंच गया हूँ। खाने पीने में, आहार विहार में बदलाव के कारण यह पॉसिबल हुआ, डेफिनेटली मेरी हारमोनी के कारण यह पॉसिबल हुआ है, यह मैं मेरी मुझे अभी समझ में आ गया है। लेकिन अभी भी जो संयम के भाव से शरीर के प्रति जो होना है
10:30 बजे 11 बजे तक सोना ही सोने की आदत है, लेकिन ये वेरीफाई हो गया है कि देरी से सोने से स्वास्थ्य बिगड़ता है। फिर भी आजकल अभी भी संवेदनाओं से सुख पाने का अभी भी है, इसी के कारण यूट्यूब व्हाट्सएप इन चीज़ों को देखता रहता हूँ, और कुछ घर में जो काम है उसके कारण भी नींद थोड़ी देरी हो जाती है। संवेदनाओं के मैं ये संस्कारों के बारे में मैं कह सकूँ तो जो ऑब्जर्वेशन मैंने किया उसके कारण मुझे लाभ हुआ, क्या क्या संस्कार मेरे में चल रहे हैं, कुछ हद तक देखा, सभी संस्कारों को मैं नहीं देख पाया, कुछ संस्कारों को मैं देख पाया जो विरोध का भाव होता है। और ये जो संस्कार मैंने अभी भाया संवेदना से सुख पाने का जो है, पहले के मुकाबले में भी कम हुआ है, लेकिन संवेदनाओं से सुख पाने का अभी भी जारी है। संस्कारों के बारे में मैं कहूँ तो मैंने एक डिटेक्ट किया है कि लापरवाही का संस्कार मेरे में है। मैंने जब अपने आप को देखा तो मैंने पाया अभी लापरवाही का संस्कार मेरे में, जिससे मैं क्या है कि जो को भी होगा हो जाएगा, इसमें क्या है, जो उसके लिए जो समय देना है, जो प्रिपरेशन जो होना है वो नहीं दे पा रहा हूँ, नहीं देने का, ये जो लापरवाही का संस्कार है इसके कारण मैं नहीं दे पा रहा हूँ और नहीं प्रॉपर कामों को नहीं कर पा रहा हूँ, ये मैंने किया। ऐसे तो सभी पूरा नहीं करता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन जो जितना होना है उतना नहीं, समय उसके लिए अलॉट करना, उसके लिए प्लानिंग प्रिपरेशन ये सब कम है, ऐसा मेरे में आ रहा है, मेरे में इसके बारे में मेरे में मेरी समझ बनी है। कमिटमेंट के बारे में बताऊं तो अभी मैं ट्रांसलेशन का जो काम है उसमें एक मेंबर हूं। ट्रांसलेशन का जो काम है उस समय एक दिन क्या हुआ कि रविवार को, पहले पहले जो रविवार को मैंने 2-3 घंटे बैठ के उसका अनुवाद किया था, ये तो 2-3 पेज ही थे लेकिन वो किया था, उसको मैं अनुवाद करने के बाद अपने जो भैया हैं जगदीश भैया उनको भेज दिया। भेज देने के बाद दूसरे दिन ये अपना ट्रांसलेशन टीम का सेशन था, शाम को, रात शाम को, तो उसमें इस जो मैंने अनुवाद किया उनको ऐड नहीं हुआ, तो मैंने पूछा कि भैया मैंने ऐसा भेजा आपने ऐड, तो उन्होंने कहा कि मेरे जो उनको और बाहर थे नहीं थे, आउट ऑफ स्टेशन थे, इसी कारण वो नहीं कर पाए थे। तो मेरी समझ मैंने सोचा कि तब से मेरी समझ बढ़ी है कि दूसरों का भी जो है कुछ समस्या होती है उसके प्रति भी हमें जानकारी होनी चाहिए, जानकारी यानी उनके उनके प्लेस में सोचना चाहिए वो कैसे हैं, उनकी परिस्थिति के कारण वो नहीं कर पाए ऐसे। और ट्रांसलेशन टीम में जब कभी कोई शब्द के बारे में चर्चा चलती है तो मैं ये कह पाता हूँ कि जो ये एप्ट है, मैं ऐसे अगर एप्ट हो तो इसको ऐड कर लें, नहीं तो दूसरा शब्द ढूंढ लें, ऐसे करके मैं करके छोड़ देता हूँ, तो मैं आराम में रहता हूँ। सो ये ट्रांसलेशन टीम का जो काम हो रहा है इससे भी मेरे में समझ बढ़ रही है और इससे लाभान्वित हो रहा हूँ। और रविवार का सेशन जो है मैं जो जब कभी अटेंड होता हूँ उससे मुझे नॉलेज जो लाभ मिलता ही है, सेल्फ एंड बॉडी के बारे में जो क्लैरिटी जो है, सेल्फ ही ड्राइव करता है दूसरों को, शरीर को सेल्फ ही ड्राइव करता है, इसके बारे में समझ बड़ी है। जब कभी किसी से मैं इंटरेक्ट करता हूँ तो मैं अगर उनको उनके बारे में सोचता हूँ तो वो समस्या उनके शरीर से नहीं उनके सेल्फ के कारण है, ये समझ मेरे में अभी बड़ी है, सेल्फ ही उससे उनको ड्राइव करता है, इसी के कारण सेल्फ चेंज तो सेल्फ में आना है, शरीर में तो सेल्फ चेंज नहीं आना है, तो इससे मैं आराम में रहता हूँ। मैं बताऊँ तो समाज में सभी जगह क्राइसिस है, संबंधों का क्राइसिस है, जिम्मेदारी भाव का क्राइसिस है, कमिटमेंट की क्राइसिस है, इस गैप को अपना कंटेंट ही फिल कर सकता है, यह मुझे अभी पूरी तरह समझ में आ रहा है। मैं मेरी जो सेवा भारती और संघ के मित्र हैं उनसे मैं प्रस्ताव के रूप में मैंने इन चीज़ों को शेयर किया है, मैं उनको मिलने गया था, मिलके उनको उनके स्थान पे जाके उनसे बात की,
उनसे फॉलोअप करना है। लेकिन जब मैं इस अपने कंटेंट के बारे में बताता हूँ तो कभी कभी वो प्रश्न करते हैं तो मेरे में थोड़ा विरोध का भाव आ जाता है। ऐसे उससे भी बाहर उभरना है, हर एक के साथ नहीं, जो कोई कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं तो ऐसे कि तुम में क्या चेंज आ गया, तुम्हारे परिवार में कैसे चेंज आ गया, ऐसे कुछ प्रश्न उनके उनसे उन सब से आते हैं, तो उस समय थोड़ा विरोध का भाव आता था। एनपीटीएल का एग्जाम था तो एनपीटीएल का एग्जाम जो है उसके कारण मैं जो हर दिन 15-20 मिनट का अपने में ऑब्जर्वेशन के लिए समय निकालता था वो समय वो ब्रेक हो गया, उसे फिर कंटिन्यू करना है। उससे मैं अपने संस्कार अच्छी तरह देख पाया था। तो अभी फिलहाल इतना ही मेरा शेयरिंग है। सभी को धन्यवाद और सभी को नमस्ते। जी धन्यवाद भैया, बहुत ही सुंदर शेयरिंग रही आपकी। भैया ने बहुत विस्तार से पूरी शेयरिंग रखी, परंतु उन्होंने अपने कमिटमेंट के बारे में नहीं बताया। अगर एक या दो लाइन बताएं कमिटमेंट के बारे में तो फिर आगे और बात करते हैं। जी भैया, कमिटमेंट के बारे में मैं ट्रांसलेशन के जो काम हो रहा है उसमें समय दे पाऊंगा, समय समय देने का निर्णय है। और रविवार का सेशन जो है अगर यहीं पे रहता हूँ तो मैं उसको अटेंड कंटिन्यूस अटेंड करूँ और उससे मेरी समझ बढ़ रही है कमिटमेंट पर। और वर्कशॉप जो है हमारे कॉलेज में कराना है, इसके लिए जो प्रयास है वो जारी है। बढ़िया भैया, बढ़िया भैया, आपने और अच्छे एक वर्कशॉप किया है। और एक विषय मैं जोड़ना चाहता हूँ। 3 दिन का वर्कशॉप जो था उसमें मैं मुझे मुझे भी रहने के लिए 3 दिन रहने के लिए कहा गया था, तो AICT से मेल आ गया, वो सब हो गया। लेकिन घर में जो था मेरी वाइफ वाले अकेली थी और मेरा सन जो है वो भी था, तो उस समय मेरी सासू माँ आई थी, तो दूसरे डॉक्टर के चेकअप के लिए आई थी, तो उनसे मैंने संबंध के भाव से भावशा की मुझे ऐसे कुछ जाना है वर्कशॉप के लिए, तो आप 3 दिन यहीं पे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसे उन्होंने कहा था। जब मैं संबंध के भाव से उन्हें पूछा तो वो मान गई और उन्होंने सपोर्ट किया और मैं 3 दिन वर्कशॉप में था। जी भाई, बढ़िया, तो जब से आपने वर्कशॉप किया है आप कनेक्टेड रहे हैं, मॉर्निंग का सेशन भी अटेंड करते रहे हैं, कुछ आपकी पुरानी कठिनाइयां रही हैं जिसको आपने शेयर भी किया, उसको आप धीरे धीरे ओवरकम कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और एक्टिव पार्टिसिपेशन अगर हो, जैसे हमारे जो ऑनलाइन वर्कशॉप्स हो रहे हैं और अभी आपने जैसे बताया तो फेस टू फेस वर्कशॉप्स हैं प्लस बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें जो भी आपके पास अतिरिक्त समय है उसका अगर आप सदुपयोग करना शुरू करेंगे तो गति और बढ़ेगी। कुछ चीज़ों में कहीं रुकावट है, कुछ चीज़ों को अभी हम ठीक से मूल्यांकित नहीं कर पा रहे, तो इसलिए आप पाएंगे कि हम भागीदारी करते करते अपने आप को कहीं रोक लेते हैं, तो उसको मुझे लगता है और ठीक से ध्यान दें। इनफैक्ट जो भाव पे ध्यान देना है और उसका मूल्यांकन करना है, तो अभी आपने जितना शेयरिंग किया तो उसमें जो पारिवारिक कठिनाइयाँ रही हैं या बाहर की जो घटनाएं हैं उसको ज्यादा ध्यान गया है ऐसा मुझे लगता है। उसमें आप ओवरकम भी कर रहे हैं बहुत सारी चीजों को, पर तो उसके मूल में जो अपना संस्कार है उस पर बारीकी से काम करने की जरूरत है, तो एक स्फूर्ति आएगी, एक फ्लो आ जाएगा और इसकी एक अच्छी संभावना मुझे दिखाई देती है। तो बढ़िया भैया, मेरी तरफ से शुभकामना। अलग से भी कभी बात कर लेंगे, आवश्यकता होगी तो, बीच बीच में बात होती रहती है हम लोग की, तो जी जी और भी भैया, थोड़ी सी प्लानिंग करेंगे आपके साथ, है ना। जी 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 भैया, जी भैया, जरूर भैया। नमस्ते सभी को। सुब्बाराव भैया, बहुत ही बढ़िया शेयरिंग रही। एक सिर्फ आधा मिनट का ये मैं पूछना चाह रहा था, आप जो बोल रहे कि मैं कभी कभी देख पाता हूँ इमेजिनेशन, और नहीं देख अभी अभी देखने लग गए, तो ये कैसे भैया? इमेजिनेशन तो हमेशा चलता है, प्लीज आधा मिनट है इमेजिनेशन सुब्बाराव तो भाई। हर समय इमेजिनेशन चलता रहता है, लेकिन उस पे ध्यान जो है वो हर समय नहीं है, ऐसा ऐसा मैंने बताया भैया। हाँ, लेकिन अभी तो हम एक्सरसाइज वन में देख रहे हैं कि हर क्षण हमको हमारे भाव को देखते रहना है तो चालू हो गया वो तो पूर्ण स्थिति है, वो तो उसके लिए तो समय लगेगा। अभी तो दिन में हर समय नहीं, 3-4 घंटे, 2-3 घंटे, बहुत मुश्किल से 2-3 घंटे ही ध्यान जा पाता।
फिर जब मैं काम में लग जाते हैं उसमें उसी फ्लो में चलता रहता है। उस समय भी बीच बीच में ध्यान जाता है, लेकिन जो जितना जाना है उतना नहीं जा रहा। जी, धन्यवाद भैया, नमस्ते सभी, नमस्ते। धन्यवाद।